गुलबर्गा शहर में नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के जेडीएस उम्मीदवार नासिर हुसैन उस्ताद को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुलबर्गा की एक बड़ी बिरादरी बागबान बिरादरी की तंजीम जमीयत बागबान गुलबर्गा ने नासिर हुसैन उस्ताद के सपोर्ट का ऐलान किया है। 28 अप्रैल 2023 को बाद नमाज जुमा जमीयत बागबान गुलबर्गा का फैसल फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में जमीयत बागबान गुलबर्गा के सदर इलियास शेख बागबान, इंजीनियर मुश्ताक अहमद जनरल सेक्रेटरी, महमूद इंजीनियर हैदर अली चौधरी, साबिर चौधरी, अब्दुल खादर एमआईसी, पाशा मियां अल्लामा जावेद आरटीओ के अलावा दीगर जमीयत बागबान के जिम्मेदार मौजूद थे। इस मौके पर इंजीनियर मुश्ताक अहमद ने मीडिया से बात कर कहा, गुलबर्गा नॉर्थ की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट करने और एक मजबूत बेबाक कायद की हैसियत से नासिर हुसैन उस्ताद को क़यादत का मौका देने का फैसला लिया गया है। This video presented by Barker's Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. पिछले पूरे 5 साल में कमजोर नुमाइंदगी की वजह से इतनी हालत खस्ता है गुलबर्गा नॉर्थ के लिए कि खास तौर पे पूरे जिले की बात बताता हूँ मैं आपको। ये नुमाइंदगी जो 5 साल में थी वो ना कभी कोई ज़िले में कोई तालुक़े में गई, ना कोई काम करी, पूरा ऐसा से कमतरी में है गुलबर्गे का मुसलमान। एक नुमाइंदगी मजबूत नहीं रहने की वजह से तो आज गुलबर्गे का मुसलमान ये चाहता है कि मजबूत मर्द की नुमाइंदगी हो, इसलिए हम जो है फैसला लिए हैं। आज ही हमारे पास फैसला हुआ है बागवान बिरादरी में बागवान जमात का कि नासिर उस्ताद के हक़ में हम फैसला लिए हैं और इंशाल्लाह उन्हीं को वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 28 अप्रैल 2023 बाद नमाज जुमा जमीयत बागबान गुलबर्गा की एक अहम मीटिंग फैसल फंक्शन हॉल बिलालाबाद कॉलोनी में रखी गई, जिसका मकसद अब जो असम्बली इंतखाबात कर्नाटक स्टेट में चल रहे हैं और गुलबर्गा में भी चल रहे हैं, उस ज़िमन में बागबान बिरादरी का क्या किरदार क्या रोल होना चाहिए, इस सिलसिले में मशावरत के लिए एक अहम मीटिंग बुलाई गई। बागबान बिरादरी के बुज़ुर्ग नौजवान साथियों ने कसीर तदाद में यहाँ पे शिरकत फरमाई और पिछली क़यादत जो कनीज फातिमा साहिबा की थी वो क़यादत बहुत कमज़ोर क़यादत रही। तमाम लोगों का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला आया जिसकी बुनियाद पर शहर गुलबर्गा में और डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कमज़ोर रही है। कई मसाइल हैं जो हल नहीं हुए हैं, जैसा कि लॉकडाउन में बागबान बिरादरी मार्केट के मामले में बंद रही मार्केट कई महीनों तक, माशी तौर पर कई लोग हमारे व्यापारियों परेशान रहे, मगर मैडम उसके लिए कोशिश नहीं किए ना उसको खुलाने की कोशिश की। पहले दिनों में हमारे सामने बीजेपी के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, एक साथ सिविल कोड और नई एजुकेशन पॉलिसी, ऐसे कई चैलेंजेस को हमको मुकाबला करना है। तो हमको ऐसे मुकाबला करने के लिए एक मर्द की जो है ना एक ज़बरदस्त नॉलेज रखने वाले शख्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम चाहते हैं इस बार की नुमाइंदगी एक मर्द शख्स को रखी जाए। फिर भी कांग्रेस का पार्टी ने हमारे इस डिमांड को नाकबूल किया, फिर एक मैडम को ही टिकट देकर ये बतलाया कि हम कमज़ोर क़यादत ही आपके लिए दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं गुलबर्गा के मुसलमान कि आज हम फिर मैडम के साथ जाके उनको दोबारा जिताएंगे। इंशाअल्लाह इस बार तमाम मुसलमान शहर गुलबर्गा के तमाम बिरादरियाँ मिलकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में जो है ना वोट करके उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम लोगों से एक अपील करता हूं कि आप लोग फ्यूचर के बारे में सोच के, शहर के बारे में, हमारे मिल्ली मसाइल के बारे में सोच के नासिर हुसैन उस्ताद साहब को वोट दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल सईद बागबान, सरकारी मार्केट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। आज एक हमारे बागबान बिरादरी में एक ज़बरदस्त एक फैसला लिया गया, एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी, उसमें फैसला लिया गया है कि नासिर हुसैन उस्ताद को ही हम वोट डालेंगे। हमारे जो जमीयत के अहदेदारान जो फैसला लिए हैं उस फैसले से हमारी पूरी बिरादरी मुत्तफिक है, इंशाल्लाह हम नासिर हुसैन उस्ताद को ही वोट डालेंगे। ये मशवरा हुआ और इस मशवरे में हमारे सदर साहब
अलहाज मोहम्मद इलियास सेठ ये फैसला लिए हैं। हम उस फैसले के साथ पूरी बिरादरी उनके साथ में है और पूरी बिरादरी मिलकर उनके फैसले पर अमल करेगी। और ये फैसले के साथ पूरी बिरादरी हमारे इलियास सेठ के साथ है। इलियास सेठ जिसका काम बोले हैं वो तो हम पहले करने वाले ही थे और बहुत अच्छी बात है कि आज जो यहाँ पर जो है ना बहुत एक अच्छा फैसला हुआ। आज बागवान जमात की एक अहम मीटिंग रखी गई यहाँ पर फंक्शन हॉल में और ये तय पाया है कि नासिर उस्ताद की क़यादत को लाना बहुत ज़रूरी है। मर्द की क़यादत के लिए है ना तमाम लोगों के लिए मशवरा करें कि भाई मर्द की क़यादत ज़रूरी है हर चीज़ के मामले में। मैडम है ना नहीं बोल सकते नहीं कर सकते, औरत की क़यादत नहीं ये हो रही सुन रहे नहीं कोई भी, मर्द की क़यादत बहुत ज़रूरी है। नासिर उस्ताद हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में बोल सकते हैं। हम तमाम बिरादरी के तमाम लोग हैं ना ये फैसला कर चुके हैं, तमाम लोगों की मीटिंग भी आज हम सब ये फैसला कर चुके हैं कि भाई नासिर उस्ताद की क़यादत को वोट देंगे, नासिर उस्ताद को जिता कर लाएंगे। आज जो इलेक्शन चल रहा है 10 तारीख को आने वाले उसके हालात के मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्शन ना JDS का है ना कांग्रेस का है, ये आने वाले मुस्तबिल की क़यादत का है जो आपके लिए लड़ेगा, आपकी जो वक्त पे आके जो ठहरेगा ये उसका इलेक्शन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिंपति में न जाते हुए मजबूरी में आप जो भी कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं इस बार सिर्फ मजबूरी में वोट डाल रहे हैं, क्योंकि क़यादत के लिए ना वोट डाल रहे हैं ना डेवलपमेंट पे डाल रहे हैं ना खुशी से डाल रहे हैं। ये वोट सिर्फ जो डाल रहे हैं कांग्रेस को मजबूरी में डाल रहे हैं, वो भी क्या मजबूरी है सिर्फ BJP आती बोल के। BJP तो आने दो ना आने दो, मगर वोट इत्याद करके आप JDS को वोट डालो, नासिर उस्ताद को वोट डालो, भुते ही दो हो जाओ और आने वाले फ्यूचर अपना बेहतर करो, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है सिर्फ नासिर उस्ताद आने वाला है। क्योंकि नासिर उस्ताद नहीं दो बार इलेक्शन हारते हुए भी आपको 5 साल आपकी खिदमत में रहे, मैडम जीत के भी आपकी खिदमत में नहीं रहे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप वोट नासिर उस्ताद को डालिए, क्योंकि आपके हर वक्त पे आपके साथ खड़े रहने वाले हैं, वो भी आधी रात को भी बुलाएंगे तो आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। इसलिए आप वोट नासिर उस्ताद को डालो और उसकी आप उनका सपोर्ट करो। यहाँ पे फैसल फंक्शन हॉल में हम लोग बागवान ब्रदरी के एक मीटिंग करे हैं और उसमें ये तय पाया है कि नासिर उस्ताद को हम सपोर्ट करेंगे। पूरी बागवान ब्रदरी हमारे इलियास सेठ की सरपरस्ती में हम लोग ये डिसीजन लिए हैं। और ये क्यों लिए हैं बोले तो यहाँ पे नासिर उस्ताद के जो काम हैं उसके ऊपर बेसिस पे लिए हम लोग। अब जैसे कि एग्जांपल अलंद में बच्चों को पकड़ने के गए, कौन सपोर्ट करे जाके, नासिर उस्ताद सपोर्ट करे। और कई ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि देखो इस्लाम में भी एक चीज़ है कि एक मर्द आदमी को जो है ना हमारे को जीता को लाना है उसकी सरपरस्ती में अगर हम मर्द आदमी को अगर वोट देगो जिता को लेंगे सदारत उसकी रहेंगी तो हम कामयाब होंगे, हमारे इस्लाम में भी मेंशन है। ऐसे सब चीज़ों से देख के हम लोग एक डिसीजन लिए हैं कि हम नासिर उस्ताद को सपोर्ट करेंगे। लिहाजा आप लोग भी जो है ना नासिर को जिता के लो, अपने वोट्स को बांटो मत, कांग्रेस को BJP को या कोई और को डालो मत, नासिर उस्ताद को डालो। पहले भी हम बहुत बार नासिर उस्ताद को सपोर्ट करें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी करेंगे। पूरी खबर है कि बागवान ब्रदरी मिलकर फैसला किया है कि आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाएं। नहीं पूरी बागवान ब्रदरी वन साइड है, नासिर उस्ताद को डेफिनेटली जिता को लेंगे इंशाल्लाह, भरपूर तादाद से जिताएंगे इंशाल्लाह। आज यहाँ पे फैसल फंक्शन हॉल में अहम मीटिंग हुई, इस मीटिंग में पूरी बागवान ब्रदरी जमा हुई थी और ये तय पाया है कि नासिर उस्ताद को पूरी बागवान बिरादरी वोट देंगे। देखो तमाम बागवान बिरादरी की तरफ से जो है ना नासिर उस्ताद को तय पाया गया है और नासिर उस्ताद को जो है ना जिताना है। बिरादरी बोल के नहीं, हर एक कौम जो है ना नासिर उस्ताद को सपोर्ट कर रही है और उनको ही जिताना है।